किसानों की भूख हड़ताल ने मोदी सरकार पर दबाव डालने का काम किया है, साथ ही अब इसके असर भी सरकार पर होते साफ नजर आ रहे हैं। जी हां, अब सुनने में आ रहा है कि आंदोलनकारी किसानों को फिर से बातचीत की मेज पर लाने के लिए सरकार जुट गई है और ज्यादा सक्रिय होती भी नजर आ रही है। आपको बताते चले कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने गृह मंत्री अमित शाह से मामले को लेकर बैठक की है। इसके अलावा तोमर ने देश के तमाम राज्यों से आए किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात की है। साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई है कि किसान जल्द ही सरकार के प्रस्ताव पर जवाब देंगे, जिससे बातचीत आगे बढ़ सकती है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को गुजरात के कच्छ में एक दिवसीय दौरे पर जाएंगे। कृषि कानूनों के विरोध में जारी किसान आंदोलन के बीच ये कच्छ के कृषि समुदाय के अलावा गुजरात के सिख किसानों से भी मुलाकात करेंगे। आधिकारिक बयान में बताया गया है कि प्रधानमंत्री कुछ परियोजनाओं का महाशिलान्यास भी कर सकते हैं और कच्छ के किसानों और कलाकारों के साथ बातचीत भी कर सकते हैं। आगे आपको बता दें, मुख्य कार्यक्रम से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कच्छ के किसानों के साथ चर्चा भी कर सकते हैं। तो वहीं भारत पाकिस्तान सीमा के पास बसे सिख किसानों को पीएम मोदी संवाद के लिए आमंत्रित भी किया गया है। आपको जानकारी देते चले कि कच्छ जिले की लखपत तालुका के आसपास कुल मिलाकर करीब 5000 सिख परिवार रहते हैं। ऐसे में इस बातचीत को बड़ी उम्मीद के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि नए कृषि कानून के विरोध में हजार किसान पिछले 2 सप्ताह से भी अधिक समय से दिल्ली की सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलहाल सरकार देश के विभिन्न राज्यों के किसानों का कृषि कानूनों के पक्ष में समर्थन जुटाती भी दिखाई दे रही है। बहरहाल 6 राज्यों के 10 किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की और कृषि कानूनों का समर्थन भी किया। अब देखना ये काफी दिलचस्प होने वाला है कि क्या पीएम मोदी की इस पहल से कोई रास्ता निकलने की संभावना बनती है या नहीं। ITP न्यूज रूम की रिपोर्ट।